हेलो वेरी बुडी कैसे आप लोग आशा करता हूँ कि सभी ठीक हो गे? तो दोस्तों अभी अभी एक ताज़ी न्यूज़ सामने आई कि आईबी कॉलेज दिल्ली में नई वैकेंसी लीज हुई है तो तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं मैं जो भी आपसे बात करता हूँ विद प्रूफ़ के साथ बात करता हूँ वैसे कोई फेक न्यूज़ आपको मैं नहीं देता हूँ ना मैंने आपको पहले फेक न्यूज़ दी है और ना आपको आगे भी कोई फेक न्यूज़ देऊँगा सीधी आपको आपसे प्रूफ के साथ आपसे बात बातचीत करता हूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको नोटिस दिया हुआ है नॉन टीचिंग वैकेंसी आईपी कॉलेज दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है दोस्तों ऊपर देख लीजिएगा इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वो फॉर वुमैन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है तो दोस्तों आइए इन इनके बारे में बातचीत करते हैं नॉन टीचिंग एडवर्टिशमेंट और नीचे आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है और यहाँ आपको इंटरेस्ट दी गई है कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होती है जिसमें तो तो दोस्तों चले हम नॉन टीचिंग को ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों हमने नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट ओपन कर लिया है अब देखिए इसमें सबसे पहले तो बात करते हैं इसके बारे में वैकेंसी के बारे में एज लिमिट के बारे में ग्यारह जनवरी को ये रिलीज हुआ है और दोस्तों इसकी अगर हम एज के बारे में बात करें तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की इसकी एक वैकेंसी रहने वाली है जिसकी एज लिमिट है पैंतीस उसके बाद आता है कि सीनियर असिस्टेंट लेवल सिक्स की नौकरी रहेगी इसकी एज लिमिट रहने वाली है मैक्सिमम थर्टी ईयर इसकी वैकेंसी एक रहने वाली है जो सिर्फ जनरल के लिए काउंट की जाएगी उसके बाद हमारा असिस्टेंट असिस्टेंट के लिए भी एक ही विकेंसी आपके लिए होने वाली है उसके बाद आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट इसके लिए आपके पास एक वैकेंसी होने वाली है वो भी सिर्फ जनरल के लिए उसके बाद आता है आपके लिए जूनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के भी आपके लिए पाँच वैकेंसी होने वाली हैं और इसके लिए आपके लिए उम्र होने वाली है ट्वेंटी सेवन ईयर और दो वो में आपको जनरल में मिलेगी और एक वैकेंसी ओबीसी यू में एक डब्लू में और एक वैकेंसी एसटी एस में आपको मिलेगी इसमें और उसके बाद हम बात करते हैं मैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए इसमें आपको सिर्फ़ एक ही वैकेंसी दी हुई है और इसमें आपके लिए तीस ईयर मैक्सिमम ईयर रखी गई है और वो एक की वैकेंसी वो सिर्फ ओ वालों के लिए ओ बी तहत मिलेगी वो तो इसके आगे बात करते हैं तो दोस्तों अगर बात करें तो हम इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली इसकी लास्ट डेट होने वाली अठारह फरवरी दो इसकी लास्ट डेट होने वाली है ये। और अगर हम इसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल के लिए पाँच सौ फीस होने वाली है और ओबीसी बी के लिए चार सौ फीस होने वाली है एस टी एस के लिए तीन सौ फीस होने वाली है और ई पी डब्ल्यू डी और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है फीमेल और पी डब्ल्यू डी के लिए इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों हम वापस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए और अब इसके हम इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नोटिस के ऊपर चलते हैं इसको डाउनलोड कर लेते हैं कर लेते इसको तो दोस्तों अब अब हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत करते हैं तो सबसे पहले सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें आपके लिए तीन साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ये आपको डिपार्टमेंट दी प्राइवेट सेक्टर में पर्सनल असिस्टेंट में स्टेनोग्राफर में एक्सीज असिस्टेंट में इनमें आपको तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो उसके बाद बात करते हैं इसके स्किल टेस्ट के बारे में इसका स्किल टेस्ट में आपको ये आपको स्टैंडिंग स्पीड दी गई है टेन मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ सो डब्ल्यू पी में आपको स्टैन स्पीड है और आपको इसमें स्टैनवा ज्ञान होना चाहिए उसके बाद बात करते हैं हम इसकी एज लिमिट पैंतीस साल होगी जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसके बाद सीनियर असिस्टेंट की भी बात करते हैं हम इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें आपको तीस साल आपकी एज रखी गई है इसमें आ, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए ओनली आपको नॉलेज होनी चाहिए कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं लिया जाए केवल नॉलेज देखे जाएंगे आपसे क्योंकि काम आपका यही होगा कंप्यूटर पर उसके बाद बात करते हैं हम असिस्टेंट कई वैकेंसी की असिस्टेंट वैकेंसी की इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें आपकी उम्र तीस साल रखी गई है इसमें केवल आपकी केवल ग्रेजुएट होना चाहिए आपको केवल और इसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए इसमें आपको प्लस टू होने के साथ साथ लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए सेकेंड पॉइंट में आपको मैंसन किया गया है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस में आपको इसमें इसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए उसके बाद बात करते हैं हम इसकी एज लिमिट की तीस रहने वाली हैं और फिर जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं इसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी होने के साथ प्लस टू होने के साथ साथ आपको टाइपिंग स्पीड आपकी पैंतीस पर इंग्लिश में होनी चाहिए और तीस की आपकी हिंदी में होनी चाहिए और इसमें आपकी एज सताइस साल रखी गई है और इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेड लाइब्रेरी अटेंडेड और इसमें आपको दसवीं के साथ साथ ये हो गया टेंथ हो गया इसमें आपको दसवीं के साथ साथ लाइब्रेरी साइंस में आपको डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए लाइब्रे अटेंडेड में और इसकी उम्र की बात करते हैं इसमें आपकी तीस साल उम्र रहने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही तो दोस्तों हम आपसे एक बात एक और कहना चाहते हैं कि आप लास्ट डेट का वेट किए बिना इस फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और आप जब भी फॉर्म अप्लाई करो ऑफिशियली नोटिस को देख आप फॉर्म अप्लाई करें क्यों, क्योंकि क्योंकि करे कई कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें जनरल की पोस्ट हैं और उनमें एस की एस की ई की ओ कोई पोस्ट नहीं है कई वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें एस की पोस्ट है उसमें एस की पोस्ट नहीं है ए डब्ल्यू की पोस्ट नहीं है और एक ऐसी जिसमें जनरल की एक भी पोस्ट नहीं है केवल एक एस सी केवल एस सी ओ डब्ल्यू एस की इसमें पोस्ट है तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करो आप कैटेगरी को ऑफिशियल नोटिस को देख कर अप्लाई करना जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो आप उस कैटेगरी में पहले से कोई पोस्ट है भी या नहीं तभी आप अप्लाई करना तो थैंक यू दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही आपको नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे हमारा हम सबसे तेज़ सबसे फास्ट सबसे पहले सबसे स्ट्रिक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और दोस्तों इसे अगली वीडियो में फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर बना रहे हैं हम आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा ताकि आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना कर सको जिस कारण आपको आगे जाकर परेशानी का सामना करना पड़े इसलिए दोस्तों आप हमारे अगली वीडियो को जोर देखना और उसको देख कर ही ने फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आप कोई गलती ना कर सको तो थैंक यू ऑल दोस्तों